नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेल हादसे को लेकर रेलवे ने लोको पायलटों को दी क्लीन चिट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शुरुआती जांच में सिग्नल से छेड़छाड़ बनी हादसे की वजह। हादसे के बाद भी होश में था कोरोमंडल ट्रेन का लोको पायलट। रेलवे ने 51 घंटे के भीतर की ट्रेन की सामान आवाजाही। कैंसिल हुई ट्रेन चलने से लोगों को मिली राहत। विपक्ष के वैष्णव के इस्तीफे की मांग पर भाजपा का पलटवार। ट्विटर पर अमित मालवीय ने शेयर किया पिछले रेल मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। नाबालिग महिला पहलवान ने वापस लिए ब्रजभूषण पर लगाए गए आरोप। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया बयान। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बजरंग साक्षी और विनेश फोगाट। पहलवानों ने की ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। गौतम अडानी से छिना एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स का ताज। चीन के अरबपति झोंग शैन शैन ने भारतीय उद्योगपति को छोड़ा पीछे। मानसून के केरल पहुंचने में 3-4 दिन की देरी के आसार। मौसम विभाग ने कहा जल्द अनुकूल होगी बारिश के लिए परिस्थितियां। खरीफ की बुआई पर पड़ेगा मानसून और बारिश की देरी का असर। रिपोर्ट में बारिश पर निर्भर है शुद्ध खेती का 52% क्षेत्र। हरियाणा के पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ जगहों पर हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 5 से 7 जून तक आंशिक प्रभाव की जताई संभावना। हिमाचल के शिमला में ओलावृष्टि से सब्जियों की फसलें तबाह। प्रदेश में 5 दिन मौसम खराब रहने की जताई जा रही संभावना। 30 जून तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा अनिवार्य। ईपीएफ में ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की भी होगी अंतिम डेडलाइन। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4-लेन पुल गिरा। हादसे में 2 गार्ड लापता। 1700 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण। पिछले साल भी नदी में गिरा था निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर। निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर उठे सवाल। जांच के दिए गए आदेश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में 3000 जवान तैनात। पूरे पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी मुस्तैद। जालंधर में निकाय मंत्री बलकार सिंह के काफिले पर हमला। बदमाशों ने बरसाई ईंटें। पुलिस वालों को भी पीटा। पंजाब सीमा पर पाकिस्तान से तस्करी की कोशिश फिर नाकाम। बीएसएफ ने 3 किलो हेरोइन और ड्रोन किए बरामद। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ऊपर दिखा ज्ञात विमान। फ्लोरिडा की कंपनी एनकोर मोटर्स ऑफ मेलबर्न का था विमान। अमेरिकी फाइटर G-16 ने पीछा किया तो दुर्घटना का हुआ शिकार। वर्जीनिया स्टेट पुलिस विमान की तलाश में चला रही खोजी अभियान। न्यूयॉर्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले वे भविष्य की बात नहीं करते, विफलताओं के लिए अतीत को देते हैं दोष। 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू फिर होंगे राजग का हिस्सा। गृहमंत्री शाह जेपी नड्डा और नायडू के बीच हुई बैठक में बनी सहमति। उत्तराखंड के नक्शे से गायब हो गए 7वीं-8वीं शताब्दी के 2 मंदिर। ASI से मिली जानकारी, लोगों ने घरों में इस्तेमाल कर लिया अवशेष। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर घर आंगन में होगी योगी क्रियाएं। 21 जून को मदरसों से लेकर मजारों तक किया जाएगा योग। 3 दिवसीय यात्रा पर सूरीनाम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना है यात्रा का मकसद। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय टीम। पूर्व जस्टिस अजय लांबा करेंगे अध्यक्षता। 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। जांच टीम के गठन के बाद फिर सुगनू इलाके में हुई गोलीबारी। अराजक तत्वों ने कांग्रेस विधायक के घर को किया आग के हवाले। पणजी में हुई G20 देशों के स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह की बैठक। शहजादा अल सऊद बोले भारत सऊदी के स्टार्टअप में कई समानताएं। सऊदी अरब तेल उत्पादन में प्रतिदिन करेगा 10 लाख बैरल की कटौती। ओपेक प्लस देशों की तनावपूर्ण सौदेबाजी के बाद किया ऐलान। यूपी में मुस्लिमों से संपर्क अभियान तेज करेगी भाजपा। आंतरिक सर्वे में लोकसभा की 14 सीटों पर कड़े मुकाबले की संभावना। नमक मछली से लेकर झीलों और समुद्र तटों में घुल रहा प्लास्टिक। पर्यावरण दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों में भी कर रहा है प्रवेश। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक रद्द। अब 23 जून को होने की संभावना। नेताओं की गैर मौजूदगी बनी वजह। मध्य प्रदेश में एक संकल्प हरियाली के जन आंदोलन में हुआ तब्दील। CM शिवराज चौहान ने 833 दिन में लगाए करीब 2500 पौधे। राजस्थान के दौसा में रात कैंप में घरवाली की मांग का अनोखा मामला। लिखा लड़की पतली गोरी उम्र 30 साल सभी काम में हो माहिर। सतना में मैहर माँ शारदा देवी के दरबार में पहुंचे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM ने की पूजा अर्चना, उतारी आरती। ब्रा कंपनी से चुराकर मुस्लिम देशों को भेजा 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा। राजस्थान SOG ने हैकर के सरगना को उदयपुर से किया गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी की महिलाओं ने की पिटाई। आरोपी का मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल पहुंची थी पुलिस।
पंजाब के बठिंडा जेल में टीवी नहीं लगी तो भूख हड़ताल पर गैंगस्टर, कहा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी कुछ नहीं खाएंगे। सोशल मीडिया से कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा पाकिस्तान कमांडर, औजला बोले नार्को टेरर फैलाने की हो रही है कोशिश। लैवेंडर राजधानी के रूप में उभरा जम्मू कश्मीर का भद्रवाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले किसानों की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। उत्तराखंड में पीआरडी में महिला जवानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, युवा कल्याण मंत्री बोली एक्ट में संशोधन कर बनाई जा रही है नियमावली। उत्तराखंड में इस बार 4-5 दिन देरी से आएगा मानसून, 15 जून तक प्रदेश भर में तापमान में होगी बढ़ोतरी। चमोली में ग्लेशियर खिसकने से हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग बंद, बर्फ में दबा लापता महिला श्रद्धालु का शव बरामद। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को बचाने के लिए उमड़ी भीड़, हल्की बारिश के बीच बनाई 22 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। दिल्ली से साल भर के अंदर खत्म हो जाएंगे कूड़े के 3 पहाड़, एलजी सक्सेना की अध्यक्षता में बनी निगरानी समिति ने रखा लक्ष्य। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ई वाहनों को दे रही बढ़ावा, साल के अंत तक बढ़कर 1800 तक हो जाएगी ई बसों की संख्या। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, किसानों के लंबित मुद्दों को जल्द हल कराने की उठाई मांग। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के छात्रों और गार्डों के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से चले लाठी डंडे, बड़ी तादाद में वाहनों में तोड़फोड़। निकायों में हार के बाद बसपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान, छिटकते वोटों को बचाने के लिए मायावती ने दिया मंत्र। लखनऊ में अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन आज, लोकार्पण से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कंगारुओं के खिलाफ WTC फाइनल में खलेगी पंत की कमी, 2020 से टेस्ट में भारत के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।